हर तरह की सुविधाओं से युक्त मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट, शहर से लगा हुआ सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है रानी दुर्गावती, वार्ड क्रमांक 1, सैमराबाद, सागर। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की उमंग और उत्साह शहर में सब तरफ दिखाई दे रही है। जगह जगह माता रानी के पंडाल और साज सज्जा देखने को मिल रही है। वहीं शारदीय नवरात्रि में शहर भर में होने वाले गरबा कार्यक्रमों की तैयारियां भी अंतिम पड़ाव में हैं। इसी तारतम्य में आज हमारी टीम सागर के हॉप कैंटीन के पास स्थित वृंदावन गार्डन में होने वाले स्वर्णिम गरबा में पहुंची, जहां सभी आयोजक और प्रतिभागी अपने कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए दिखाई दिए। इसी दौरान जब हमने उपस्थित प्रतिभागियों से बात की तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है बेटा आपका? मेरा अंशी। कितने टाइम से कर रहे हो ये डांस? मैं 3 साल से। 3 साल से रेगुलर आते हो आप यहाँ पे? यहीं पे करते हो, कहीं और भी जाते हो? नहीं, इससे पहले कहीं और भी करते थे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा लगता है आपको गरबा करना? हाँ। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो या आगे प्रोग्राम्स में भी देखोगे आप? आगे प्रोग्राम्स में भी रहेंगे। अच्छा, और क्या क्या प्रैक्टिस की है आपने? डांस की है, गरबा की है और गेम्स में भी की है। पांडे है और मैं स्वर्णिम गरबा में ये दूसरी साल गरबा कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे 7 तरीके के स्टेप सिखाए गए हैं। पहला स्टेप है डोरियो 1, दूसरा है डोरियो 3, फिर है डोरिया जो कि हमारा सिग्नेचर स्टेप रखा गया है, उसके बाद है खिलैया, पंखड़ा, नखराली। ये स्पेशलिटी है आपके यहाँ जी? और आरती जो कि सबसे पहले होती है, उससे शुरुआत होती है। मेरा नाम ज्योति जैन है, फ्रेंड सुधा जैन, और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम गरबा ज्वाइन किया है। अंकित भैया जी से मेरी मुलाकात हुई और सभी मेरे भाइयों ने मुझे, हम लोग को तो लगता भी नहीं था कि सीख पाएंगे, बट बहुत अच्छा सिखाते हैं और आगे ये बहुत आगे जाएगा ये गरबा, और इसके सारे जो तरीके हैं बहुत अच्छे से सिखाते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। आयोजक अंकित जैन ने बताया कि उनके और उनके साथियों द्वारा स्वर्णिम गरबा का आयोजन विगत 3 सालों से किया जा रहा है और भारतीय संस्कृति का विशेष ध्यान रखते हुए यह आयोजन हर साल किया जाता है। गरबा में भाग लेने के लिए या दर्शक के रूप में गरबा देखने के लिए भी आधार कार्ड दिखाकर ही पास दिया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में गरबा नृत्य के साथ साथ कुछ नाटकीय प्रस्तुति भी की जाएंगी। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित जैन है। हम लोग 3 साल से गरबा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, स्वर्णिम गरबा, स्वर्णिम सांस्कृतिक गरबा के नाम से हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं वृंदावन मैरिज गार्डन में। हमारा फाइनल 27, 28, 29, 30 को स्टार्ट हो रहा है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इसके अलावा जो हम लोग गुजराती सॉन्ग प्लस में ट्रेडिशनल ड्रेसअप में सब बच्चों को लेके करवाते हैं। और क्या इसके अलावा और क्या स्पेशलिटीज़ हैं आपके यहाँ? स्पेशलिटी में यदि हम बोले जाएँ तो हमारी जो टीम है, तो टीम के जो यहाँ का माहौल होता है तो वो हम सबसे अच्छा रखते हैं। क्या है, बॉलीवुड गाना में थोड़ा मार्केट में जो चल रहा है कि आप मतलब गरबा इन द सेंस कुछ एक्टिविटी होती हैं जो गलत तरीके से शो अप होती हैं, वो सब चीज़ हमारे गरबा में नहीं होती हैं। इसके अलावा बच्चे आप देख ही रहे हैं स्टैंड से, आपको समझ में आता है यहाँ पारिवारिक माहौल रहता है, सभी लोग बच्चे अपना अपना परफॉर्म देते हैं। इसके अलावा परिवार के साथ काम चलता है। कब होने वाला है आपका गरबा? अपना 27, 28, 29, 30। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग अपना 6 बजे से 10 बजे तक। गरबा के अलावा और भी कुछ चीज़ें जैसे पूजा या कुछ? गरबा के अलावा हम लोगों की स्टार्टअप आरती से होता है। आरती के बाद जस्ट सब बच्चों की आरती करो, आरती के थ्रू माता की आराधना करते हैं, इसके बाद स्टेप चालू करते हैं। हमारे गरबा के 3 स्टेप हम लोग पर्टिकुलर। कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अपने यहाँ 120 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा बीच बीच में डांस परफॉर्मेंस हैं बच्चों के, जो उनको हम लोग प्रमोट करने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ के बच्चे आगे जाएं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो इसलिए हम लोग उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं। आपका? मेरा नाम शिवम आटिया और मैं यही का ऑर्गेनाइज़र हूँ। हम लोग क्या कहते हैं संस्कृति के लिए बिलोंग करते हैं ये गरबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहते हैं संस्कृति के लिए देख के करवाते हैं गरबा। बहुत से गरबा चल रहे हैं सागर शहर में, जैसे कि गानों को लेकर चलता रहना हम लोग का, इसलिए हम लोग मेन पर्पज़ हम लोग का संस्कृति।
इसी अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से संस्कृति को आप उजागर कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले ड्रेसअप देखते हैं, गाना के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो कुछ भी वल्गर वल्गैरिटी है वो लोग हम लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रखते। पार्टिसिपेंट्स की एंट्री किस बेस पे होती है, मतलब आधार कार्ड व आईडेंटिटी कार्ड वगैरह? जी, आधार कार्ड है, आईडेंटिटी है, और सबका मेनली अकॉर्डिंगली मतलब एक एक का देखा जा रहा है कि कौन कौन किस किस पर्पज से गरबा कर रहा है। तो दर्शक जो आएंगे गरबा देखने के लिए उस समय भी ये सारी चीजें? जी, हम लोग ने पर्पसली पुलिस के लिए भी वो इन्वाइट किया है हम लोग ने, और क्या कहते हैं मेनली सर के लिए भी वो किया है, उसके अकॉर्डिंग सबके लिए है। पासिस भी जो अलाउड किए गए हैं आधार कार्ड के साथ ही अलाउड किए गए, आधार कार्ड के बेस पे ही अलाउ किए जाएंगे ना, बिना उसके नहीं किए जाएंगे। ठीक है। पिछले साल सागर के राम सरोज पैलेस में अश्लील गाने पर गरबा करने को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों द्वारा गरबा का विरोध किया गया था, जिस कारण पूरे मध्य प्रदेश में गरबा को बंद करा दिया गया था। इसी कारण इस साल सभी आयोजक और प्रतिभागी सभी चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए गरबा में जुड़ रहे हैं।